तो गाइस अगले साल रियलमी के कस्टमर के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि पहले दो महीनों में ही हमें काफी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे रियलमी की तरफ से, चाहे हम बात करें रियलमी X7 सीरीज की या रियलमी रेस या फिर रियलमी 8 सीरीज की। इन सभी की लॉन्च अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही हो जाएगा। तो इस लिस्ट में अब एक स्मार्टफोन और जुड़ गया है, रियलमी Q2। हाँ गाइस, ये स्मार्टफोन इस साल चाइना में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब ये इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन लिस्ट में ऐड हो चुका है, यानी काफी जल्दी ही हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी Q2 के सभी स्पेक्स के बारे में, इसके एक्सपेक्टेड प्राइस और इंडिया लॉन्च के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अपना टेक अड्डा, एंड नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, जो कि फुल HD+ डिस्प्ले है। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो ये वो स्मार्टफोन हो सकता है जो 20,000 से कम में आएगा और 120 हर्ट्ज आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ आपको मिलता है 5G चिपसेट। यहाँ MediaTek Dimensity 800U चिपसेट दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ आपको 4GB और 6GB के दो RAM वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसके साथ 128GB तक की स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट कैमरास की बात करते हैं, तो इसमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिससे कि एक डिसेंट फोटोग्राफी हो सकती है। अगर कुछ और डिटेल्स की बात करें, तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, इसके साथ 30 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और डिज़ाइन वाइज सेम बोल सकते हैं जैसा रियलमी X7 में देखने को मिला था। फ्रंट में पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा और बैक से ग्रेडियंट फिनिश के साथ में ये आता है। तो ये हो गई स्मार्टफोन की स्पेक्स। अब बात करते हैं इसके लॉन्च की। तो अगले एक महीने के अंदर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे कम चांसेस हैं कि ये स्मार्टफोन Q सीरीज में लॉन्च हो। इसके बदले इसको नार्जो सीरीज में लॉन्च किया जा सकता है। अब अगर प्राइसिंग की बात करें, तो 15,000 के प्राइस रेंज में ये लॉन्च हो सकता है, या फिर उससे कम में भी देखने को मिल जाए। तो आप बताइए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में, और इंडिया में ये किन स्पेक्स के साथ आएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड कीप सपोर्टिंग।